करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन सेना ने 1999 में 60 दिनों के युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। इस अवसर पर आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सेना के शीर्ष कमांडर और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने द्रास में करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, तामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके असाधारण साहस और विजय को स्वीकार करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। एक संदेश में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को याद किया और कहा कि उनकी वीर गाथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में सैनिकों की वीर गाथा की सराहना की और उन्हें राष्ट्र के प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।